अस्वस्थ नहीं है, वह बीमार है। उसकी हर जीत सिर्फ एक हार है। इस योजना को हर कोई अपने अपने कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है, अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं, बुरे वक्त में साथ निभाया है। तुम्हारे कारण ही दादाजी का दिल फिर से धड़कने लगा है। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। नमस्कार, मुँ मंदाकिनी। ओडिया रे गोटे कथा अछि, स्वास्थ्य ही संपद जानिछु सभी। एक नुहई मिछ, स्वास्थ्य ठारु बड़ धन कही नहीं, स्वास्थ्य पासे सब तुच्छ। स्वास्थ्यर दायित्व नेबा समस्तंकर प्राथमिकता हेबा उचित। आउ गणतांत्रिक राष्ट्र रे जेतेबेले सरकार लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पाई निर्वाचित हेउछि, सेठारे जन जनंकर जत्न नेबा सरकारंकर कर्तव्य। तेणु केन्द्र रे मोदी सरकार एकथाकु भूलिथांते बा केमिति, सेथिपई ही मुख्यमंत्री भाबे स्वस्थ गुजरात अभियान आरंभ करि गुजरातर भाग्य परिवर्तन करितबा नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री हेबा परे आयुष्मान भारत योजना बा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार शुभारंभ करिछन्ते। आउ एहार परिणाम स्वरूप केते जे देशवासी लाभान्वित हेलेनी ताहा निश्चित रूपे देश पई गर्वर विषय। तेबे आज आयुष्मान योजना कुने मोदीक मत कौन थिला जानिबा। प्रथमे 2018 रे जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी लाल किलारू एही योजनार घोषणा करितिले, आसंतु सुनिबा। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2 टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय दर्शनर एही मंत्र को ने पीएम मोदी छत्तीसगढ़ बीजापुर रे शुभारंभ करितिले आयुष्मान योजनार। आउ एही योजना नथिले हुए तो किछि लोकंक जीवन कदापि बंचि नथांता। भारतर कोटि कोटि लोकंक पाई बेमार कालर सबुठारु बड़ सहारा आयुष्मान भारत, जहार शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 वर्ष पूर्वे 23 सितंबर 2018 रे रांची रे करथिले। आज उस विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं जिसका आकलन भविष्य में मानवता की बहुत बड़ी सेवा के रूप में होना तय है। आज मैं यहां सिर्फ झारखंड के विकास को गति देने के लिए नहीं, लेकिन पूरे भारत में जो सपना हमारे ऋषियों मुनियों ने देखा था, जो सपना हर परिवार का होता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारे इस पुराने सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है। और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है,
गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। आज आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। आयुष्मान भारत शुभारंभ दिनरु आज जाए 5 वर्ष मध्यरे देशर 3 कोटी अधिक गरीब लोकंकु सीधा सीधा एहार फायदा मिल सारिछि। लाभार्थीक मध्यरे 47% रु अधिक महिला मध्य रहिछन्ते। योजना अनुसारे लाभार्थीक 5 लक्ष पर्यंत चिकित्सा मागणारे करा जाउछि। सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल को मिसाइ देशर पाखापाखी 25,000 हॉस्पिटल आयुष्मान भारत सहित जोड़ी होई सारिछन्ते। देशर प्राय 11 कोटी परिवार एवं 60 कोटी पाखापाखि लोक आयुष्मान भारतर लाभार्थी अटंती। आपण जाने आश्चर्य हेबे योजना आरंभ हेबार 3 वर्ष मध्यरे ही हिताधिकारीकर पाखापाखि 10,000 कोटी टंका सेविंग होइथिला। सेहिपरि गरीब परिवारर लक्ष लक्ष जीवन को बचाइबा मध्य संभव होई पारिछि। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या, पूरे मेक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है। आरोग्य जगत का, दुनिया का जो सबसे मान्यता प्राप्त मैगजीन है वो भी बढ़ चढ़ करके बढ़ाई कर रहा है कि हिंदुस्तान ने एक गेम चेंजर, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और मुझे विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आरोग्य के संबंध में भिन्न भिन्न योजनाओं के संबंध में सोचने वाले लोग, आरोग्य और अर्थकारण की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और आधुनिक संसाधनों की चर्चा करने वाले लोग, आरोग्य और सामान्य मानवीय की जिंदगी के बदलाव से समाज जीवन पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करने वाले लोग, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हो, चाहे वो मेडिकल साइंस की दुनिया के लोग हो, चाहे वो अर्थशास्त्र लोग हो, दुनिया के हर किसी को भारत की इस आयुष्मान भारत की योजना का अध्ययन करना पड़ेगा,
सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर दुनिया के लिए कौन सा मॉडल बन सकता है उसके लिए कभी न कभी सोच करके योजनाएं बनानी पड़ेगी। गोटे रिपोर्ट अनुसार भारत में प्रति 16 सेकेंड रे जने रोगी चिकित्सा आयुष्मान भारत साहाय्य सोनीपत रु सुल्तानपुर जाए एवं कन्याकुमारी कश्मीर जाए कोटी कोटी लोक विश्वर यह सबुठ बड़ स्वास्थ्य योजनार लाभ उठाऊ आयुष्मान भारत योजनार लाभ प्रति धर्म प्रति जाति प्रति गरीबों मिली किंतु स्वास्थ्य दृष्टिकोण द्वारा विशेष भाव लाभान्वित होती महिला। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरे देश के गरीब को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो देश के किसी धनी को मिलती है। भाई और बहनों, ये योजना आज से लागू हुई है लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी योजना थी तो ट्रायल करना भी जरूरी था। टेक्नोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी, जो आरोग्य मित्र बनाए हैं वो ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अस्पताल जो पहले काम करती थी उसे बदल करके ठीक करेगी नहीं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग जिलों में इसका ट्रायल चल रहा था और मुझे विश्वास है कि देश को सही मायने में स्वास्थ्य का अधिकार देने का यह अभियान अपने हर उद्देश्य में सफल रहेगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को और मजबूत करेगा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से एक विशेष अवसर भी जुड़ा हुआ है। जब 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों से मैंने इसका प्रथम चरण प्रारंभ किया था, वेलनेस सेंटर का काम आरंभ किया था, वो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी। आज जब दूसरा महत्वपूर्ण चरण आगे बढ़ रहा है तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती 25 सितंबर को ध्यान में रख करके दो दिन पूर्व आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। उन महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ समाज के हर प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए और जिन्होंने जीवन भर गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए जिए, गरीबों की गरिमा के लिए अपने आप को खपा दिया, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हुए आज देश को ये योजना हम दे रहे हैं। समय सहित आयुष्मान भारत परिधि बा कलेबर भी वृद्धि पाइबारे लागिछि। समय सह ताल दे एही व्यवस्था हाईटेक भी होइछि। आयुष्मान भारत परे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो भी शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा हो सारी। आयुष्मान भारत पूरण 3 वर्ष अवसर में प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो आरंभ हो। देश में बेहतर इलाज कुछ लोगों तक सीमित न हो, सभी को उत्तम इलाज मिले, इसी भावना के साथ आज ये योजना देश को समर्पित की जा रही है। भाई और बहनों, हमारे देश के हेल्थ सेक्टर की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 60 रुपये से ज्यादा बोझ उस परिवार और उस व्यक्ति पर आता है। उसने जो बचा बचाया है वो सारा बीमारी में बह जाता है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही खर्च होने के कारण हर साल
लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने की कगार पर होते हैं, लेकिन एक बीमारी फिर एक बार उनको गरीबी में वापस ले जाती है। इसी हालत को बदलने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, गरीबी हटाओ के नारे देश आजाद हुआ तब से हम सुनते आए हैं। गरीबों की आंख में धूल झोंकने वाले, गरीबों की नाम की मालाएं झपते रहने वाले लोग अगर आज से 30, 40, 50 साल पहले गरीबों के नाम पर राजनीति करने के बजाय गरीबों के सशक्तिकरण पर बल देते तो देश आज जो हिंदुस्तान देख रहा है वैसा नहीं होता। उन्होंने गरीबों के संबंध में सोचने में गलती की। यह मूलभूत गलती ने देश को आज भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यही सोचा कि गरीब कुछ न कुछ मांगता है, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलत सोच थी। गरीब जितना स्वाभिमानी होता है, शायद उस स्वाभिमानी को नापने की आपके पास कोई तराजू नहीं है। आयुष्मान भारत और डिजिटल मिशन रा लक्ष्य कोटी कोटी रोगी भोगुथिबा समस्या रा अंत। एही मिशन अनुसारे आपन को एमिति एक डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करा जिबो, जेउथरे आपणकर पूरा हेल्थ हिस्ट्री रहितबो, अर्थात कोनोसी डॉक्टर मोबाइल बा कंप्यूटर रे आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे सबिशेष तथ्य पाई परिबे। नुवा डॉक्टर को पाखकु आपणकु पुरुणा रिपोर्ट नै जिबारो आवश्यकता नै। डॉक्टर हेल्थ कार्ड ही देखि आपणकर स्वास्थ्य संपर्कित टेक्निक तथ्य जानि परिबे। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने गरीबों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इस पर बल दिया है। और इसलिए गरीब को अगर घर मिलता है तो उसका जीवन की सोच बदलती है। अगर गरीब मां को गैस का कनेक्शन मिलता है तो वो मां जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ दूसरे की बराबरी में खड़ी रहती है। जब गरीब का बैंक में खाता खुलता है तो वो भी आत्मसम्मान की अनुभूति करता है, पैसे बचाने का इरादा तय कर लेता है। जब गरीब का टीकाकरण होता है, पोषण मिशन का लाभ मिलता है तो गरीब भी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़। गरीब में भी वो ताकत पड़ी है, उसे पहचानना जरूरी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं गरीबों का सशक्तिकरण है। देश में एक बहुत बड़ा दूसरा बदलाव आया। साथियों, ये योजना कितनी व्यापक है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। कोरोना संकट बेले भी आयुष्मान भारत गरीबों को मसीहा भावे दुर्जय दंभरे सेमानक पाखरे छिड़ा होइथिला। एबीडीएम पाई कार्यकारी संस्था भाबरे जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण विभिन्न हिताधिकारी मानक सहित मिलित भाबरे कार्य करूछे, जहा द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य सेवार लाभ अधिकरु अधिक नागरिक मानक मिली पारिबो। नागरिक स्वास्थ्य रेकर्ड गुडिकर डिजिटलीकरण को अधिक प्रोत्साहित करबा पई आमे अनेक स्वास्थ्य सुविधा जथा हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब इत्यादि पई एक प्रोत्साहन पई एही योजनार शुभारंभ होइछे। स्वास्थ्य रेकर्डर डिजिटलीकरण उपरे निरंतर ध्यान देवा सहित
आमे कागज रहित चिकित्सा परामर्श हासिल करिबा एवं एहा द्वारा रोगी एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी को मध्यरे अधिक सटीकता हासिल करिबा को लक्ष्य रखा जाय छी। 5 लाख तक का जो खर्च है उसमें अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जरूरी जांच, दवाई, भर्ती से पहले का खर्च और इलाज पूरा होने तक का खर्च उसमें शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना द्वारा उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, देश भर के हर लाभार्थी तक सही से इसका लाभ पहुंचा पाए उसका भी प्रभावी इंतजाम किया गया है। आपको इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई जरूरतमंद छूट न जाए, इसकी समीक्षा निरंतर चल रही है। आपको इस योजना में किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आपको जो ई कार्ड मिल रहा है वही आपके लिए काफी है। ई कार्ड में आपसे जुड़ी सारी जानकारियां होगी। इसके लिए आपको तमाम कागजी कार्यवाहियों के फेरे में भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक टेलीफोन नंबर, और मैं मानता हूं इसको याद रखना चाहिए आप लोगों ने, मेरे सब गरीब परिवारों से खास आग्रह करता हूं, इस नंबर को जरूर याद रखिए, 1-4-5-5-5-1-4-5-5। ये नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका इस योजना में नाम है कि नहीं है, आपके परिवार का नाम है कि नहीं है, आपको क्या मुसीबत है, क्या लाभ मिल सकता है, ये सारी चीजें। या फिर आपके नजदीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर है, आज देश में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है, उन 3 लाख सेंटर किसी को भी 2-3 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, वो जाकर के भी वहां से अपनी जानकारी ले सकता। समय सरिछि, आज मोदी को मत को एठे रखुछु, आसंता काली पूर्ण एक नुआ अध्याय रे आपण मानक सहित देखा हबो। रहुची, नमस्कार।